हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ काव्या, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मॉर्निंग का टाइम है और दिया बाती की तैयारी कर रही थी। वैसे मैंने आज भगवान जी को अच्छे से डीपली क्लीनिंग करते हैं ना हम, तो बस उसी तरह से मैंने कर दिया है। और मॉर्निंग का टाइम था और मैंने ना राज को टमाटर की चटनी बनाई थी। तो क्या हुआ, खुशी के लिए मैंने भिंडी बनाई थी और राज बोल रहा था कि मम्मा मुझे टमाटर की चटनी बना दो मीठी वाली। तो मैंने उसको चटनी तो बना दी, बट क्या हुआ कि वो ना जिस मतलब खाने के लिए बैठा ना, तो वो चटनी तुरंत ख़त्म हो गई और मैंने बस दो ही टमाटर से बनाई थी। मैंने सोचा भाई इसे पसंद आती है या नहीं आती, तो वो चट कर गया नाश्ते में। फिर वो ट्यूशन चला गया और जाते जाते मुझे बोल गया कि मम्मा मैं जब मैं क्लास से आऊँगा तो वो साढ़े दस या 11 बजे तक तो आ जाता है। तो वो बोलने लग गया कि मम्मा मैं जब घर पे आऊँगा ना तो मैं खाना खाऊँगा, तो मैं खाने में भी टमाटर की चटनी खाऊँगा। तो मैंने सोचा चलो इसे आज पसंद आ गई है, तो मैंने और 4 टमाटर की चटनी बना ली थी। वैसे खुशी को बिल्कुल नहीं पसंद और मीठा तो उसे इतना ज़्यादा पसंद है ही नहीं वैसे भी। और बस यहाँ पर ये देखिए मेरे हस्बैंड जी क्या लाए हैं आज तो सरप्राइज़ दे दिया उन्होंने। बिकॉज़ ये जो मधुमक्खी का छत्ता है ना और इसके अंदर से जो हनी निकलता है ना फ्रेश वाला, वो इतना अमेजिंग लगता है, मैं क्या ही बताऊँ यार। हमको मतलब राज, खुशी में और मेरे हस्बैंड चारों को पसंद है, ये बहुत मस्त लगता है। तो ये देखिए ये है क्या बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता और हनी है ये। तो अभी मेरे हस्बैंड ने और उनके दोस्त थे, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने नहीं पकड़ा, उनको नहीं आता, उनके जो फ्रेंड थे ना उन्होंने पकड़ के लाए हैं। तो ये हमें दे दिया उन्होंने, ये देखिए यहाँ पर पूरा हनी है ये। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ से निकालूँ ये पूरा, ये जो है ना ये पूरा हनी से भरा हुआ है। और मक्खियाँ देखिए आज तो भाई कमाल हो गई। और ये हनी मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है ना, मैं क्या ही बताऊँ। रज प्लेट आन तुला देते मैं काड़ू स्पून आने प्लेट आन। अभी राज स्कूल में जाएगा तो मैं उसे निकाल के दे देती हूँ क्योंकि उसे ज़्यादा पसंद है। हाँ वाटिका अनंत ने, ये देखिए इसे ना यहाँ से निकालती हूँ मैं। ये देखिए ये पूरा हनी है ये, और प्योर हनी, प्योर, इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट वगैरह नहीं है। एवढं बस, ये लो। तो मेरे हस्बैंड जी के जो फ्रेंड है ना उनके यहाँ पर उनके खेत में मतलब वो जो होते हैं ना काम करते हैं, तो वो भैया ने पकड़ा था ये और उनसे हमने पैसे से लिया था। वैसे मुफ्त में नहीं लिया था, उस भैया को पैसे की ज़रूरत थी तो हमने उससे 200 रुपये बोल रहा था, तो राज के पापा ने उसे 150 रुपये दे के ये ख़रीद लिया था। तो बेचारे मेहनत करते हैं और मेहनत करके पकड़ते हैं और उनसे फोकट में क्यों लेना है ना। तो हमने तो ये देखिए निकाल लिया है, हमने छत्ते में से छान के और एक कंटेनर में भर दिया, तो इतना निकला, इससे ज़्यादा था बट बाकी का खा लिया। फ्रेश फ्रेश आने ना बहुत मस्त लगता है। ये देखिए मस्ते। तो अभी टाइम जो है ना वो शाम का हो रहा था और मेरा आज मन कर रहा था कि मैं गुलाब जामुन खाऊं, तो मैंने राज से बोल दिया कि चलो आप एक पैकेट लेके आओ गुलाब जामुन का, जो कि इंस्टेंट वाले बन जाते हैं ना। तो बस राज ने लेके आ गया था और 50 या 60 समथिंग का कुछ मिला था। और उसके बाद मैंने सोचा कि ये पैकेजिंग बहुत दिनों की होती है तो हमें ना
इसे छानना ज़रूरी होता है, तो छान के ही लेना है हमें कोई भी चीज़। और बस ये आटा वगैरह मैंने छान लिया, इंस्टेंट जो बनते हैं ना वही पैक था ये। और आप सभी को अगर पता हो तो मैं आपको बता दूँ दोबारा से कि इसे दूध के साथ मतलब गूंथा जाता है, अच्छे से सॉफ्ट वाला डो बना लो, इंस्टेंट हो जाता है। और वैसे भी हर गुलाब जामुन के पैकेट पर ये मेंशन किया होता है कि क्या करना है कैसे करना है। तो गुनगुने दूध के साथ मैंने अच्छे से डो बना लिया, बस अभी मैं छोटी छोटी लोइयां बना लूँगी। और वैसे ये आटा ना इतना ख़ास मुझे लगा नहीं, क्योंकि इसके जो बॉल्स हैं ना गुलाब जामुन वो भी अच्छे नहीं आ रहे थे। तो लहसुन देखिए कितना ये हो गया था, तो मैंने सोचा इसको चुन लेती हूँ, तो अच्छे अच्छे ना निकाल के इसे प्लेट में रख दूँगी और बाकी के जो गंदे हैं वो फेंक दूँगी। तो ये देखिए ऐसे अच्छे अच्छे जो है ना वो निकाल लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने ना बहुत ही ज़्यादा लेके आ गए थे लहसुन, तो इस वजह से, नहीं तो कम होते हैं ना तो अच्छा होता है। उन्होंने 2 किलो लेके आ गए थे, तो 2 किलो थोड़ी ना हमसे ख़त्म होंगे। और ये लहसुन है ना जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, तो इनको भी चुन के रखना होता है, जैसे हम प्याज वगैरह चुनते हैं ना उसी तरह से 15 दिन में इनका छिलका वगैरह उतार के इसे साफ़ करके रखना होता है। तो ये देखिए यार ना मंगलसूत्र जो है वो उसका धागा निकल गया यहाँ से, तो अभी मैं हस्बैंड जी के पास दे रही हूँ, वो करा के लाएंगे बनवा के। अच्छा हुआ कि ये सोने के जो मोती थे ना मनी ये घूमे नहीं, तो मेरी जल्दी से ध्यान गिर गई थी उस पर। ये देखिए व्यवस्थित है। तो गुलाब जामुन के जो बॉल मैंने बनाए थे ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे थे, मतलब दरारें वगैरह आ रही थी और फ्राई करते समय भी अलग ही हो रहा था वो। तो बस मैंने बना लिए और उनको सेट करने के लिए छोड़ दिए, रात भर रहते हैं ना तो अच्छे लगते हैं नेक्स्ट डे। तो ये नेक्स्ट डे ही था मेरा मंगलसूत्र सोने का जो कि टूट गया था, तो मेरे हस्बैंड जी ने बना के लेके आ गए हैं। और मैंने ये नकली वाला पहना है, तो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, मैं कभी नहीं पहनती। मुझे नकली चीज़ें है ना मतलब जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना वो मुझे सूट नहीं करती। वैसे मुझे पसंद तो है बट वो मुझे सूट नहीं करती, खुजली हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं। और कान के अगर मैं बाले वगैरह अगर पहन लूँ ना आर्टिफिकल जो ऐसे गोल्ड होते हैं नकली, वो तो मेरे कान में खुजली होने लग जाती है। तो मैंने निकाल के रख दिया ये मंगलसूत्र, और बस अच्छा हुआ कि मेरा मंगलसूत्र आज घूमा नहीं, नहीं तो घूम जाता। तो दोपहर में मैंने ग्रेप्स और थोड़े से शकरकंद होता है ना उसे मैंने गैस पर भून लिया था, और वो खाने के लिए बैठ गई थी बिकॉज आज मेरा फास्ट था। तो बस आज का वीडियो मेरा इतना ही था, आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी डेफिनेटली कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।